दिल्ली और आसपास के इलाकों में जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, लोगों को प्रदूषण की चिंता सताने लगी है। सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली सर्दियों के महीने के दौरान प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए एक योजना बनाई है। इसमें एक नियम है कि लोग अब डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजल जनरेटर हवा की ओर और भी अधिक प्रदूषण कर सकता है। दिल्ली में बहुत सारे डीजल जनरेटर हैं, इसलिए कुछ लोग इस नियम से खुश नहीं हैं। लेकिन इसका असर दिल्ली के ज्यादातर लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे अक्सर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुरानी मशीन में नया जनरेटर लगाने से काफी पैसा खर्च हो सकता है, 15 से 25 लाख रुपए के बीच। इसे आगे चलकर और भी परेशानियां हो सकती हैं। यदि कोई भिन्न भिन्न कंपनियां नया जनरेटर इस्तेमाल करती हैं, तो मशीन पर मिलने वाली वारंटी अमान्य हो सकती है। नया जनरेटर भी पुराने जनरेटर की तरह काम नहीं करेगा। ये लगभग 15 से 20% कम शक्तिशाली होगा। समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार ने 15 साल पुराने जनरेटर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में लोगों के लिए महंगा नया जनरेटर खरीदना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि GRAP का मतलब ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लांट है। ये सर्दियों के दौरान दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई एक योजना है। इस साल अल नीनो की वजह से हवा की गति काफी धीमी रही और प्रदूषण भी ज्यादा हो सका। इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए व्यापक कदम उठाने के लिए विशेषज्ञों ने यह योजना बनाई है। पिछले वर्षों में सर्दियों के दौरान हवा और मौसम अच्छा था, लेकिन इस बार ठंड होगी और प्रदूषण लंबे समय तक रह सकता है, खासकर नवंबर के मध्य में दिवाली के दौरान। GRAP, जिसका मतलब ग्रेनेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लांट है, कुछ क्षेत्रों में हवा को स्वच्छ बनाने में मदद करने का एक तरीका है। हवा कितनी प्रदूषित है, इसके आधार पर इसे 4 चरणों में बांटा गया है। शीर्ष चरण, जिसे बहुत गंभीर स्थिति कहा जाता है, का उपयोग तब किया जाएगा जब हवा की गुणवत्ता 200 से 450 के बीच हो। डीजल जनरेटर की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी उनका उपयोग आपात स्थिति में और सेना द्वारा किया जा सकता है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना होगा। ऐसा हवा को स्वच्छ और स्वास्थ्य रखने के लिए किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने की योजना की तरह है कि हवा बहुत अधिक गंदी ना हो, और अगर प्रदूषण बदतर हुआ तो नियम भी और सख्त हो जाएंगे। नोएडा में एक समस्या है, इस नियम का असर नोएडा की बड़ी इमारतों और समुदाय पर पड़ सकता है। मात्र करीब 350 ऊंची इमारतें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।